नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। यूपी में चार कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। यूपी सरकार ने अलर्ट जारी किया। WHO ने चार कफ सिरप को असुरक्षित घोषित किया है। ये चार कफ सिरप जहां मिलेंगे जब्त किया जाएगा। प्रोमेथाइजीन ओरल सॉल्यूशन, कोफेक्समालिन सिरप, मेकॉफ बेबी कफ सिरप और मेग्रीप एंड कोल्ड सिरप। WHO ने कहा कि ये कफ सिरप जानलेवा है, जिसके बाद यूपी भी पूरी तरह से अलर्ट है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीनगर श्रीयंत टापू के पास कार और सुमो की टक्कर हो गई। तेज रफ्तार हादसे की वजह से कार सवार और सुमो के आमने सामने की टक्कर हुई है। कई घायल हुए, घायलों को मामूली चोटें आई हैं। कार में सवार यात्री बद्रीनाथ दर्शन को श्रीयंत टापू के समीप हादसा हुआ है। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री की पुत्रवध हुआ अनुकृति गोसाई रावत ने किया हत्याकांड मामले में पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग प्रदेश सरकार से की है। अनुकृति गोसाई रावत ने कहा है कि जिस तरह से विनोद आर्य प्रदेश सरकार और RSS में अपना एक बड़ा व्यक्तित्व रखते हैं, उससे सभी को आशंका है कि पुलकित के पिता अंकिता हत्याकांड मामले में सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। अनुकृति ने कहा है कि प्रदेश सरकार से वो मांग करती है कि प्रदेश सरकार अगर चाहती है कि निष्पक्ष जांच अंकिता हत्याकांड मामले में हो, तो वो पुलकित आर्य के पिता और RSS के वरिष्ठ नेता की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें, जिससे हत्याकांड के दोषियों को मजबूती के साथ कोर्ट में पेश किया जा सके। उन्होंने आशंका जाहिर की है कि अगर विनोद आर्य यूं ही खुले में रहेंगे तो हत्याकांड से संबंधित सबूतों को प्रभावित करने का काम भी कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो SIT, अगर आप SIT को अंडरस्टैंड करेंगे तो SIT तो प्रदेश के अंदर बनाई गई एक कमेटी है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सोचिए किसी जिले के जिला अधिकारी जो है या DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो SIT में किस स्तर के लोग होंगे, वो क्यों नहीं इन्फ्लुएंस हो सकते। जहाँ तक विनोद आर्य जी की बात है, बहुत क्योंकि राज्य मंत्री रहे हैं और कहते हैं, मैंने भी सुना है कि RSS के अंदर तक काफ़ी उनकी जान पहचान है, बहुत पकड़ रखते हैं, तो डेफिनेटली ये और बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका उठना बैठना है। मेरे ख्याल से DGP साहब के साथ भी उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती है, तो उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वाकई उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, ताकि वो किसी भी उस कार्रवाई में कोई टैम्परिंग ना कर पाएँ, उसे इन्फ्लुएंस ना कर पाएँ। और ये बिल्कुल सही मांग है और इसको पूरा करना चाहिए। सिद्धार्थनगर में मूर्ति विसर्जन जैसे धार्मिक कार्य के दौरान असला लहराते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। 3 दिन के अंदर शौरतगढ़ में धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान असला लहराने की दूसरी घटना है। वायरल हो रहे वीडियो में मूर्ति विसर्जन के दौरान DJ के गीतों पर झूमते थिरकते असला लहराते युवक साफ तौर पर देखा जा सकता है। शौरतगढ़ थाना क्षेत्र के मेन मार्केट का वायरल वीडियो बताया जा रहा है। एटा में जसतपुर के गांव नगला बलू में पिता और बेटी की हत्या से अड़का मच गया। प्रेम प्रसंग में प्रेमिका और उसके पिता की निर्मम हत्या से अड़का मचा है। गांव के ही पुनित उर्फ नन्नी ने लोहे की रॉड से हत्या की है, और जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई। मृतक की पत्नी पर भी रॉड से वार किया है और महिला की हालत गंभीर है। एटा मेडिकल से आगरा उन्हें रेफर किया गया है। हत्या के मामले की जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे एडिशनल SP धनंजय सिंह कुशवाहा, ASP क्राइम विनोद पांडे और अलीगंज CO विक्रांत द्विवेदी एडिशनल SO कर रहे मामले की जांच। और ये पूरा मामला एटा के जोसतपुर थाना क्षेत्र के गांव नगला बलू का है, जहां पर कई थानों की फोर्स को भी लगाया गया है। कल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बीती रात्रि थाना जोसतपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम नगला बलू में एक महिला द्वारा 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को सूचना दी गई कि उसके सास ससुर तथा उसकी ननद को पड़ोस के ही एक युवक द्वारा बेलचे से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को चिकित्सालय इलाज के लिए भिजवाया गया। चिकित्सालय में चिकित्सकों द्वारा पिता और पुत्री को मृत घोषित कर दिया गया तथा माँ इलाजरत अभी वर्तमान में है, जो SN मेडिकल कॉलेज आगरा के लिए रेफर की गई है। उक्त के संबंध में पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
चंदौली के अली नगर थाना क्षेत्र के सिहताली गांव के समीप नेशनल हाईवे पर तीन लोग वाराणसी जलसा थाने से सवार होकर मुगलसराय निजी अस्पताल में फायर सेफ्टी का काम करने के लिए आ रहे थे कि इनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। तीन एक्सीडेंटल आया था, एक दो ब्रॉड डेथ था, एक उसका इलाज करके मैंने वाराणसी के लिए रेफर किया, जनता थाना से बताया उन्होंने, और हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ। हाथरस पुलिस और गौपशु के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लग के वो घायल हो गया। गोली लगने से घायल बदमाश आसिफ को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर हालत में डॉक्टर ने बदमाश को पुलिस की मौजूदगी में आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया है। पुलिस और गौपशु में हुई मुठभेड़ में 7 को तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। कब्जे से एक गाड़ी भी बरामद हुई है। कुछ दिन पहले कोतवाली सादाबाद क्षेत्र में गौवंशों के अवशेष मिले थे, जिसके बाद पुलिस को गौ तस्करों की तलाश थी। आयकर विभाग की टीम ने शुक्रवार को लाजपंकुच में कोका कोला कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ छापेमारी की। छापेमारी को पहुंची टीमों को देखकर कॉलोनी में आसपास के लोगों में खलबली मच गई। आयकर विभाग द्वारा कई शहरों में छापेमारी की जा रही है। आगरा में लाजपतकुंज के बी ब्लॉक में कोठी नंबर 9 पर आयकर विभाग की टीम की कई गाड़ियां पहुंची। टीम ने कोठी के अंदर जाते ही सारे गेट बंद कर दिया। ये कोठी गुलाब चंद लथानी की है, वो कोका कोला कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर है। आसपास लोग ये जानने के लिए व्याकुल दिखे कि आखिर आयकर की टीम किस कारण से यहाँ पर आई है। डोबशीकोट की दिवंगत अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी की अचानक तबियत खराब हो गई, जिस पर उन्हें श्रीनगर स्थित बेस अस्पताल श्रीकोट में भर्ती कराया गया। यहां उनकी हालत में सुधार है। डॉक्टरों का कहना है कि एक दिन और निगरानी में रखने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री डॉक्टर हर सिंह रावत ने अस्पताल पहुंचकर अंकिता की मां का हालचाल जाना। अंकिता भंडारी की दर्दनाक हत्या के बाद उनके परिजनों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। हर रोज घर में सांत्वना देने वाले लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ लग रही है। और इसलिए सुतों की, क्योंकि उनके साथ उन्होंने जवान बेटी को खोया है अपनी, तो स्वाभाविक है कि उनके मन मस्तिष्क की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हम उनके घर भी मिल के आए थे, और निश्चित रूप से ये लड़ाई केवल अब अंकिता भंडारी के पिताजी माताजी के परिवार की लड़ाई नहीं, पूरे उत्तराखंड की लड़ाई। गाजीपुर के जंगीपुर कृषि मंडी के व्यापारी इन दिनों आवारा पशुओं से परेशान हैं। 15 से 20 की संख्या में आवारा पशु मंडी परिसर में प्रवेश कर जाते हैं और वहां स्टोर किए गए अनाजों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे लाखों रुपए के अनाज बिखर कर पानी में भीग जाते हैं। व्यापारी समिति के कर्मचारी ने इसकी शिकायत कई बार विभागीय अधिकारियों से की, लेकिन अब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। यूपी में बना लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पहली बरसात में धस गया है। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट कर सरकार को घेरा है। कांग्रेस लिखा है, सरकार के भ्रष्टाचार का इससे बड़ा साक्ष्य क्या होगा। सुल्तानपुर में बीती रात हलियापुर में सड़क बैठ गई, 5 फीट गहरा और 15 फीट लंबा गड्ढा हुआ है। फिलहाल यूपीडा की ओर से गड्ढे को बराबर किया गया। कांग्रेस ने ट्वीट में यह भी लिखा कि हाल फिलहाल में ही बना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अभी 2 बरसात भी नहीं देख पाया कि टूटकर धस गया। हलियापुर थाना क्षेत्र के पास इस लगभग 15 फुट गहरा गड्ढा हो गया, जिस कारण कई वाहनों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यह पूरा मामला हलियापुर थाना क्षेत्र का है और कई ऐसे लोग हैं जिन्हें गंभीर चोटें भी आई हैं। सूचना पर यूपीडा टीम और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, उन्होंने राहत बचाव का काम शुरू किया। एक्सप्रेसवे पर आ रही गाड़ियों का भी डायवर्जन किया गया है। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में भारापुर भौरी के एक युवक पर कुछ दबंगों ने आदर्श नगर तिराहे पर सरेआम मारपीट की और उसका वीडियो भी बना लिया और वायरल कर दिया। युवक की तरफ से कोतवाली सिविल लाइन में तहरी देकर बताया गया कि उन लोगों ने उसे मारपीट कर लहूलुहान किया है, लगभग 60,000 रुपये भी लूट लिए। पूरे मामले को लेकर पुलिस हालांकि विवेक कुमार सिंह ने कोतवाली प्रभारी को मामले में मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। मेरा नाम सुलेमान है और मैं भारापुर भौरी का निवासी हूँ। मैं आज कल जो है 5 तारीख में लगभग 4:30 बजे के आसपास घर से निकला और मैं जिम के लिए आ रहा था। सिविल लाइन फिटनेस जिम है हमारा, रेड टैप जो शोरूम है उसके सामने। तो जैसे ही मैं जा रहा था वहाँ पे जो है मेरी जेब में लगभग 1,00,000 रुपये थे, जिसमें मैंने 50,000 रुपये समथिंग गाड़ी में रख दिए थे और बाकी मैं जिम के लिए निकला गाड़ी साइड में लगा के। तो दो लड़के आए अचानक,
में बात करते ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है वो, और जो है वो आए आते उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और मारपीट अच्छी तरीके से की, करते करते उन्होंने जो है एक साइड में ले जाके मुझे पीटते पीटते मेरी गाड़ी की जो रिमोट था चाबी उसको भी छीन के ले गए, और लगभग पैसे जो है जो मेरी पॉकेट में थे 50,000 या 60 समथिंग जो भी थे वो सब वो निकाल के ले। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।